मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आपने देखा हुल्लड़बाजी और हुड़दंग मचाते हुए जो पूर्व नगर सेवक है राबोड़ी के नजीब मुल्ला, उनका जन्मदिन मनाया गया और इस जन्मदिन में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। अब लोगों की परेशानी तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें कवरेज करने वाले पत्रकार के साथ जो उनके कार्यकर्ता थे, वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है गुंडे भी किस्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने पत्रकार के साथ बदतमीजी की और धक्का मुक्की करते हुए फ़ोन छीनने की कोशिश की और उसके बाद किस तरीके से पूरा मामला जो है वो मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचा, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन ने अब तक जो है इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया। इस मामले में हमने जो है आला अधिकारी जैसे परिमांड एक के उपायुक्त थे गणेश गावड़े, उन तक जो है पूरा मामला पहुंचा दिया है, लेकिन ये देखना इस मामले पे क्या होता है। हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है नफीस पठान, वो मौजूद है और इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके का जो है शुरू हुआ विवाद। देखिए तकरीबन 8:15 बज रहा था, पिंटे दादे हाउस के पास वो रैली पहुंची थी जहां पर नजीब मुल्ला गाड़ी पे थे और उनके ड्राइवर से एक इंसिडेंट हुआ कि एक महिला जो है गाड़ी के आगे के टायर में आ गई थी, तो उनके समर्थकों ने उनको बचा है निकाले, लेकिन उसी दौरान मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने वीडियो शूट किया। जैसे ही मैंने वीडियो शूट किया उनके समर्थकों ने क्या किया, मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया, मेरे हाथ से मोबाइल छीना, 2 मिनट के बाद उनको मोबाइल ला के दिया कि वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर। उसके बाद में मैं वीडियो डिलीट नहीं किया तो उनको धक्का दिए, धक्का देने के बाद मेरे को पीछे से जो है 2 हाथ मारे, यहाँ पर जो है मेरे को सब पकड़े, हाँ वीडियो डिलीट कर। मेरा बोलने का मतलब है मैं तो ड्यूटी पे था, मेरा प्रेस का आईडी कार्ड पहना हुआ हूँ, अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वो तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो मेरा काम करूँगा ना। मेरा बोलने का मतलब आप होते कौन हो क्या मेरे को मेरा काम रोकने वाले। मैं तो अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कैमरा छीनने की मोबाइल छीनने की आपको अथॉरिटी कैसे मिली। नजीब मुल्ला वहाँ थे, आपने संपर्क किया? बिल्कुल, संपर्क कैसे करेंगे, वो तो इतने बड़ा होगी उनके उनके आंखों के सामने, कितना दूर, मेरे ख्याल से कुछ 10 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। ये जो है ये कचरे का जो ढेर लगा हुआ है इस यहाँ पर और इसके थोड़ी सी दूरी पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उनके आंखों के सामने धक्का धुक्की हुई है, हाँ मेरे को पीछे से मारे, लेकिन उसी वक्त मुमरा के क्राइम PI ने वहाँ पर आया, मुझे सब पकड़े, मेरे को साइड में लेकर गए। क्या हुआ बोले मेरे को बता, मामला सर मैं पुलिस चौकी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं मुमरा पुलिस चौकी पहुँचा ये आश्वासन के साथ में क्या मेरे साथ इंसाफ होगा और FIR दर्ज होगी, लेकिन मेरे को जो है NC दर्ज करे तो मैं NC के दर्ज नहीं करने बोला। मैंने ये रिसीप्ट कॉपी ले लिया जिसमें मैंने मेंशन किया ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन द रैली ऑफ नजीब मुल्ला, आई वाज शूटिंग अ वीडियो, दैट वाज माय ड्यूटी। कौन होते हो आप लोग? आप लोगों को आज मंचे के पदाधिकारी ने बैनर फाड़ा तो आप लोग ने कुछ बोले नहीं क्या? इलीगल था वो बैनर? मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़ चलाई थी 19 तारीख को, क्या वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के डर से क्या नजीब मुल्ला ने कलवा में बैनर नहीं लगाया? मुमरा में बैनर 16 तारीख से लगा हुआ है, 15 तारीख से लगा हुआ है, बड्डे। हाँ आप लोगों ने कलवा में क्यों नहीं लगाया? अब तो कलवा वालों को भी आदत लगनी पड़ेगी कि बैनर देखने की। 19 तारीख को मैं न्यूज़ चलाया, 20 तारीख को पूरे कलवा में बैनर लग गया। हो सकता है शायद उसी की ढसन हो। अच्छा ये मामला पूरा हुआ है अपनी जगह, लेकिन कितना डर बन गया है, क्योंकि उनके करीबी में आप जैसे तरीके के बता रहे हो गुंडागर्दी कर रहे थे लोग, तो डर कितना बना हुआ है कि अब इसके बाद आप पर हमला भी हो सकता है? डर तो बना हुआ है क्योंकि पीछे से हमला हुआ, सामने से हमला होता तो मैं चेहरा देख लेता, चौकन्ना हो जाता, पहचान लेता, प्रॉपर नाम के साथ मैं FIR रजिस्टर करवाता। पीछे से वार किए और मेरे ख्याल से पीछे से जो वार करता हूँ शायद डरपोक ही होता है। अगर वाकई में डेरिंगबाज होते हैं तो सामने से वार करते ना, क्या गलती थी मेरी, मैं तो मेरी ड्यूटी करता। अगर आपकी ड्यूटी पे से कोई अगर आपको हटाएगा तो आपको हटनी होएगा, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। अब तुम बोल रहे हो माफ़ी मांग रहे, ठीक है आपको माफ़ी मांगने का है, वो रैली थी नजीब मुल्ला की, तो नजीब मुल्ला की लेटर हेड पे आप लोग अपोलोजाइज लेटर लिख के दो, जिसने हाथ छोड़ा था वो कबूल करे कि भाई मैंने हाथ छोड़ा था, मैंने पीछे से मारा था, अपोलोजाइज लेटर लिख कर दो और उस पर उस पर सिग्नेचर नहीं, थम चाहिए, थम दोनों हाथ का से अंगूठा चाहिए, उस पर अपोलोजाइज लेटर कि भाई हम क्षमा चाहते कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट दिस इंसिडेंट। मेरे को ये लेटर पे मेरे को बाकायदा चाहिए तभी माफ़ी होगी, उससे पहले कोई माफ़ी नहीं होगी। और इसके बाद अगर यहाँ पर मेरे को तो उम्मीद थी कि यहाँ पर FIR रजिस्टर हो जाएगी, बट खाली हाथ ही यहाँ पर बोलते ना कहा हुआ था कि निराश होकर ही जाना पड़ता है, तो आज मैं भी निराश होकर ही जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक डिस्पैच लेटर में लिया और रिसीव कॉपी लिया, इसमें पूरी डिटेल्स मैंने मेंशन किया, आई होप आई विल गेट अ जस्टिस फ्रॉम दिस सीनियर डिपार्टमेंट। अभी इस पूरे मामला को लेकर स्वतंत्र पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुल्तान रिजवी ने जो है इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है और वो खुद जो है नफीस पठान के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर निंदनीय?
बड़े ही अफसोस की बात है कि इससे पहले आवाट के समर्थकों ने सुल्तान पर हमला किया था और आज नजीमुल्ला के समर्थकों ने नफीस पठान पर हमला किया है। शर्म आनी चाहिए नेताओं को कि पत्रकारों पर हमले करा रहे हैं और उसके बाद में पुलिस भी शांत बैठी रहती है, कोई कठिन कार्रवाई नहीं करती, जिससे जो है गुंडे मवाली चर्सी इन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। आज जो हुआ है नफीस पठान के साथ उसकी मैं जो है निंदा करता हूं और हम ही नहीं पूरे शहर के पत्रकार इनके साथ खड़े हैं। इनके ऊपर जो हमला हुआ है, इनको मारा गया है पीछे से, इनका मोबाइल छीना गया है, वो इसलिए कि नजीमुल्ला साहब जिसका बर्थडे था, राबोड़ी छोड़ के, कलवा छोड़ के, खारे गांव छोड़ के, रेती बंदर छोड़ के नजीमुल्ला साहब मुमरा में आ गए। और सारे नौटंकी मुमरा में ही होती है, आप लोगों को तो मालूम है, धरना प्रदर्शन मुमरा में हो, रोज रैली निकाली जाए, रोज नौटंकी मुमरा में होती है, नजीमुल्ला साहब मुमरा में आ गए। यहाँ भी उनके समर्थक ढोल ताशा लेके खड़े थे और जो है बर्थडे मनाया गया, हम उसके खिलाफ नहीं है, बर्थडे मनाना चाहिए। हम भी नजीमुल्ला साहब को जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन ऐसी बधाई नहीं नजीमुल्ला साहब की आपके समर्थक एक पत्रकार पर हमला करें और आपकी गाड़ी के टायर के नीचे एक महिला आ गई और उसको जब चोट आई, पत्रकार ने उसको अपने कैमरे में कैद करना चाहा, तो आपके समर्थकों ने उस पर हमला किया। ये सरासर गलत है। इस पर पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी जो है आप गंभीर कार्रवाई करना चाहिए। कल ही डायमंड हॉल में इसी ट्रैफिक को लेकर के शांता कमेटी की एक बैठक की गई, जिसमें जो है शहर के तमाम चुनिंदा लोग थे वहां पे और यही कहा गया कि ट्रैफिक की समस्या कैसी सुलझाई जाए। 24 घंटा नहीं बीता, पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। ये कौन सी कानून व्यवस्था है आखिर? अगर ऐसा ही होगा तो शहर की जो कानून व्यवस्था है और बिगड़ती जाएगी, हालात खराब होते जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पत्रकार साथी पे जो हमला हुआ है, हम इनके साथ हैं, इनके हक के लिए मैं लड़ूंगा।